सुशांत सिंह राजपूत उनका जो एक पावना लेक फार्म हाउस था जिसका रेंट 2.5 लाख रुपए था। जी हाँ, 2.5 लाख रुपीज उस फार्म हाउस का रेंट था जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने रेंट पर लिया हुआ था। आपको बता दें कि एनसीबी ने वहां पर रेड मारी है और उस रेड में एनसीबी को कुछ चीजें बरामद मिली हैं। जी हाँ, उन्होंने कुछ चीजें वहां से बरामद की हैं। आपको बता दें कि एनसीबी ने वहां से हुक्का पॉट्स, मेडिसिन्स, एस्ट्रेज, ये सब चीजें वहां से बरामद करी की है उनके फार्म हाउस से। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत उनका एक फार्म हाउस था पवाना लेक, जहाँ पर वो जाते रहते थे अक्सर, और उसका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा उसका रेंट था। तो सुशांत सिंह राजपूत एक तरह से वो ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी पसंद करते थे। जैसे उनका ये सपना था कि वो फिल्मों को छोड़कर कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। जी हाँ, एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो फार्म हाउस जैसी चीज़ें और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब में उनको मन लगता था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में जो शौविक चक्रवर्ती का जो एक स्कूल फ्रेंड है सूर्यदीप मल्होत्रा, उससे क्वेश्चनिंग करी है। जी हाँ, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो ड्रग पैडलर है अनुज केशवानी, जो कि सबसे पहले अरेस्ट हुआ था, जो सबसे पहले अनुज केशवानी जो अरेस्ट हुआ था, अब अनुज केशवानी को एक उस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक एक जुडिशियल कस्टडी में अनुज केशवानी को भेज दिया गया है। इसी के साथ और जो पेडलर्स जिनको अरेस्ट किया गया था, जिसमें करमजीत सिंह थे, ड्वेन फर्नांडिस, अंकुश अनरेजा, जिनको कुछ ही दिनों में, अभी हाल ही के कुछ ही दिनों में जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है 16 सितंबर तक। जी हाँ, और बाकी जो तीन हैं, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफताब फतेह अंसारी, उनको भी इसी पीरियड के दौरान अरेस्ट किया गया था जब इन सबको अरेस्ट किया गया। और आपको बता दें कि उनको भी 23 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हाँ, सो क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।